हाय, वेलकम टू माय चैनल शारिक अहमद ब्लॉग। मैं आज निकल रहा हूँ, आज है 21 बकरीद का दिन 2021 और आज है शायद वेडनेसडे। मैं आज निकल रहा हूँ देहरादून के लिए, मेरा पहला या दूसरा ब्लॉग कह लीजिए, दूसरा ब्लॉग ही है। और मुझे यहाँ मेरी बस मिल गई है, पिंक बस, ये मुझे उतारेगी हरिद्वार। हरिद्वार से 100 किलोमीटर दूर जाना है मुझे। अब मेरा एक दोस्त है, मेरी बात हुई है जिशान से और वो मुझे कह रहा है कि आ जाओ, ठीक है। और मेरा ऑल ऑफ द सडन प्लान बना है, मैं जाने वाला था पहले नेपाल, फिर उसके बाद जाने वाला था मैं नैनीताल, मगर फिर एकदम से मेरा दिमाग आया देहरादून चलते हैं, क्योंकि उसका फ़ोन आ गया, बात हो गई और मैं ऐसे ही घर पे उठ के मैं निकल गया हूँ। कोई मतलब ना मम्मी को बताया भी नहीं है, अभी मैं फ़ोन करके उनको बताऊँगा कि मैं जा रहा हूँ देहरादून। बिकॉज ऑफ सफोकेशन मैं निकल रहा हूँ, मुझे उलझन हो रही है, डिप्रेशन का शिकार हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कहीं बाहर घूमाऊँ। चलो आगे मिलते हैं, मेरे ड्राइवर साहब भी खड़े हुए हैं आगे, उनसे भी मुलाकात होगी, तो जल्द से जल्द मिलते हैं। हेलो गाइस, पहुँच चुका हूँ मैं सीतापुर और अभी लगभग 600 किलोमीटर किया है हम लोग ने। और मेरा मुझे गूगल मैप पे दिखा रहा है यहाँ से देहरादून 426 किलोमीटर। अब मुझे पूछना है ड्राइवर साहब से कि कितने कब कहाँ और कैब रुकेगी ढाबे पे, क्योंकि मेरा भी हेड पेन होने लगा था, तो उससे मुझे रास्ते में मेडिकल शॉप पे रुक के डिस्प्रिन लेनी पड़ी। तो अब मैं पूछता हूँ उनसे कि कितनी देर में कहाँ और कब रुकेगी, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है और मैं बाहर का ज़्यादा अवॉइड करता हूँ, खा भी नहीं सकता। सीतापुर भी अच्छी जगह है मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस और ये वाला दिखाता हूँ मैं। जैसे मेरी बात हुई है ड्राइवर साहब से, ड्राइवर साहब आपका नाम क्या है, पूरा नाम? राम केदार जी से। तो वो 40 किलोमीटर बाद हम लोग रुकेंगे ढाबे के लिए, तो वहाँ मिलते हैं या तो फिर रास्ते में कहीं मिलते हैं। मैगलैंड। आपका नाम? अखिलेश भाई ने बहुत बढ़िया खाना खिलाया यार मुझे, और पनीर की सब्जी और रोटी, और भैया का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? छोटू श्रीवास्तव। छोटू भैया ने खाना बढ़िया बनाया था, मैं खाता नहीं हूँ ऐसे वैसी जगह, बट पनीर और मटर की सब्जी बहुत अच्छी थी। माइकलगंज, ये ढाबे का नाम क्या है? भारत पेट्रोल पंप के सामने इंडियन फैमिली रेस्टोरेंट, अगर कोई भी जाए तो प्लीज़ इनका खाना ज़रूर टेस्ट करें। और बहुत शुक्रिया। Don't take my sunshine away. I'll always love you and make you happy. If you will only say the same. If you leave me and love another, you'll regret it all someday. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। मैं उठ गया हूँ सुबह, ये हम लोग हैं कौन से ढाबे पे हैं, हरिद्वार से 40 किलोमीटर पहले ढाबा है, वहाँ पर रुका हूँ चाय वाय पीने के लिए। बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है और
प्लस कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए रात में कि रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कुछ चीज़ें हुई इसलिए लेट हो गया। आई वॉज थिंकिंग कि 8 बजे मैं पहुँच जाऊँगा। माई फ्रेंड कॉल मी जस्ट नाउ एंड इज आस्किंग मी वेयर आर यू, तो मुझे भी नहीं पता था कि इतना टाइम लग जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ से चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद फिर निकलते हैं। My sunshine, my only sunshine, you make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Please don't take my sunshine away. No, please don't take my sunshine away. जैसा कि अभी अभी मैं बस से उतरा हूँ देहरादून कह रहा हूँ, ये हरिद्वार पे। अब मैं बस लेने जा रहा हूँ यहाँ से देहरादून के लिए, तो मैं पता करता हूँ कहाँ से क्या बस मिलेगी मुझे। फाइनली टेक द बस फ्रॉम द बस स्टैंड देहरादून के लिए। Talk to you and make you understand. All that you have to do is close your eyes and just reach out your hand and touch me. Hold me close, don't ever let me go. More than words is all I ever पहुंच चुके हैं देहरादून। देहरादून से मुझे मसूरी को एक जगह है राजेंद्र नगर करके, 37 किलोमीटर है, वहाँ जाना है। बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो गया यार, आई एम टू टायर्ड। हाँ कितना टाइम लगेगा अभी यहाँ से, कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट ना, 20। ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि 20 मिनट लगेगा, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं।